भोजपुर जिले के आरा नगर निगम क्षेत्र के छठ घाटों के खतरनाक होने तथा पानी की तेज धारा प्रवाहित होने पर संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन छठ घाटों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज ने छठ घाटों का निरीक्षण किया एवं पाया कि नगर निगम क्षेत्र के छठ घाटों पर पानी की धारा तेज तथा गहरी है। ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छठ घाटों पर लोक आस्था का पर्व छठ पूजा करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नगर निगम को जनता को महापर्व की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्रशासन के द्वारा जहाँ पे खतरनाक घाट घोषित की गई है कृपया करके वैसे घाटों पर ना जाएं। उस पर वैसे वैसे घाट को चिन्हित किया गया है। अभी हाल ही के दिनों में कल ही एक घटना भी घटी है, तो इस पर वैसे घाट में जाने परहेज करें और बाकी अनेकों घाट है, थोड़ा सा कट करके थोड़ा सा आगे बढ़ कर वैसे घाट पर जाए जहाँ सुरक्षित घाट हो। और नगर निगम के द्वारा जो भी विशेष सफाई अभियान चल रहा है, इसमें आज 1.5 महीने लगभग हो गए, हम लोग पूरा नगर निगम प्रशासन पूरा टीम सफाई कार्य में लगा है। अगर आपको संज्ञान में कहीं भी आता है जहां पर सफाई में कुछ कमी रही हो, उसकी सूचना मुझे दें। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ही, नहीं हो तो नोट कर ले 8294636001। और नगर निगम में किसी तरह के कोई पदाधिकारी को भी इस तरह का सूचना दे सकते हैं और हमारे इस विशेष सफाई अभियान में आपका सहयोग की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस घटना को लेकर परेशानी आई है, लेकिन मैं परेशानी दूर करने में लगा हूँ। थोड़ा सा सफाई कर्मी के साथ घटना घटा है तो वो थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से वो ठीक हो। छठ व्रतियों के लिए क्या कहेंगे? तमाम छठ व्रतियों के लिए हम लोगों ने विशेष सुविधा से लगातार ब्रैकेटिंग भी घाटों पर कराई गई, तो ब्रैकेटिंग के बाद वो लोग ना जाएं और इस पर थोड़ा ध्यान दें। और सबको फिर से हम एक बार छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते चाहेंगे और सब भगवान छठी मैया सबको सुख से शांति से वृद्धि लाए।